हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेंस में 2022 में पेपर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के अपने टॉपिक्स हैं रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। इसमें सेक्शन ए के अंदर आते हैं, जिसमें वन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। एक स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट सोर्स है और इसको कैप्ड एट अ फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन द स्क्रीन। एक कॉनकेव मिरर के फोकस पे इसको रखा हुआ है और उस मिरर से लाइट स्क्रीन पर और पहुंच रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से सोर्स से पहुंच रही होगी, एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन व्हेन द मिरर इज प्रेजेंट एंड व्हेन मिरर इज रिमूव्ड। मतलब मिरर की प्रेजेंस में और मिरर की एब्सेंस में हमें कैलकुलेट करना है कि वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखें, इसमें ये सोर्स हुआ, स्क्रीन ले लेते हैं और यहां पे एक सोर्स है। सोर्स से ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और यहां पे कॉनकेव मिरर भी रखा हुआ है इससे 10 सेंटीमीटर पे, जो इसका फोकस है वहां पे। तो होगा क्या, एक तो लाइट इससे डायरेक्ट पहुंच रही होगी। डायरेक्ट जो लाइट पहुंच रही होगी उसको हम इंटेंसिटी आई वन कंसिडर कर लेते हैं, इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो इंटेंसिटी आई वन जो है वो 1/60 स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा। कुछ कांस्टेंट टाइम्स ले लेते हैं, तो आई वन इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय 60 स्क्वायर। एक दूसरा लाइट जो है यहां से इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ, अब मिरर के फोकस पे रखा हुआ तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल जा रहा होगा इस तरह से। तो जो इंटेंसिटी लाइट की यहां पर है, पैरेलल लाइट है, तो वही इंटेंसिटी यहां पर पहुंचेगी इसकी वजह से। तो सेकंड इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी उस लाइट की। तो सेकंड इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, जो 10 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी है वही। तो सेकंड इंटेंसिटी जो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से पहुंच रही है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वह अब फर्स्ट सिचुएशन में बोल रखा है कि दोनों अगर लाइट पहुंच रही हो, एक डायरेक्ट भी पहुंच रही हो, मिरर से भी पहुंच रही हो, तो दोनों लाइट इनका सम बोल देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में जो लाइट की इंटेंसिटी है इनिशियल बोल देते हैं, जब दोनों प्रेजेंट है तो ये इंटेंसिटी हो गई k बाय 60 स्क्वायर प्लस k बाय 10 स्क्वायर। और दूसरी बार जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बोल रखी है कि उसको रिमूव कर दिया, मिरर हटा दिया, तो इंटेंसिटी केवल k बाय 60 स्क्वायर। इनका रेशियो पूछा हुआ है तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा 36 प्लस 1 37, बाकी जो भी एलसीएम रहेगा सेम वैल्यू यहां पे भी आएगी। तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 1, तो इंटेंसिटी 37:1 में यहां पर डिवाइड होगी इस वाले पार्ट में। तो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 37:1 के बराबर। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो एक स्क्रीन के सामने रखा हुआ है, स्क्रीन से डिस्टेंस है इसकी डी, और मैक्सिमम फोकस लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस विच कैन बी माउंटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू कॉज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस रखना है बीच में, इनके बीच में, ताकि जो इमेज है वो फाइनली स्क्रीन पे बन सके। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट में जैसे हम कंसीडर करते हैं कि डिस्टेंस का जो डी यहाँ पे डी है, उस डी को हम बोल सकते हैं डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4f के बराबर होती है उसके अंदर। ये कंडीशन आती है ऑप्टिकल बेंच में। तो इसके बेसिस पे हम फोकल लेंथ बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम फोकल लेंथ हो सकती है वो डी बाई 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा अपना 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 में एक माइक्रोवेव ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लेन रिफ्लेक्टर से, प्लेन रिफ्लेक्टर की तरफ, और एक डिटेक्टर जो है वो मूव कर रहा है ट्रांसमीटर से रिफ्लेक्टर की तरफ। तो यहां पर एक तो हो गया ट्रांसमीटर, एक हो गया रिफ्लेक्टर, और एक डिटेक्टर जो है वो मूव कर रहा है ट्रांसमीटर से रिफ्लेक्टर के अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग। तो यहां पर एक डिटेक्टर जो है वो मूव कर रहा है इस तरफ कुछ। तो ये बोल रखा है कि बिटवीन
पॉइंट्स ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा, कि ये जब मूव कर रहा होगा तो 14 जो मैक्सिमा होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है 0.14 मीटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर जाएगा, इस डिटेक्टर के पास दो रेज पहुंच रही होंगी, एक तो ट्रांसमीटर से डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट रेज पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर वापस रेज आ रही होंगी। तो इसके पास दो रेज पहुंच रही है, उन दोनों रेज के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा होगा उसकी वजह से इसको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे होंगे। तो देखें, जब ये यहां से कुछ इतना डिस्टेंस तक चला गया जो बोल रखा है 0.14 मीटर, तो इतने पाथ को ट्रेवल करने में इसके पाथ में डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों वेव में। तो पहले ये वेव इतना है, ये वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जब यहां तक पहुंच गया तो इतना वेव ये एक्स्ट्रा चलेगा, ये वाला वेव जो है वो एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा, ये डायरेक्ट पहुंच रहा है वो, और ये वेव एक्स डिस्टेंस कम चल रहा होगा, तो पाथ में डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा 2x के बराबर, ये बोल सकते। तो पाथ में डिफरेंस इंक्रीज हो गया 2x के बराबर, ट्वाइस ऑफ 0.14, और इस ड्यूरेशन में 14 मैक्सिमा मिल रहा है, तो एक मैक्सिमा के टाइम पर जो भी पाथ डिफरेंस रहेगा वो लैम्डा की मल्टीपल रहेगा, दूसरे मैक्सिमा पे लैम्डा और इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, थर्ड पे 3 times 4 times इस तरह से। तो 14 मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग 14 लैम्डा के बराबर ये पाथ डिफरेंस हम चेंज बोल सकते हैं, तो टोटल पाथ डिफरेंस में चेंज हो जाएगा 14 लैम्डा के बराबर, ठीक है, क्योंकि एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक जाने में पाथ में डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में चेंज होगा, तो 14 टाइम्स ये चेंज हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 14 कैंसिल, 2/100 बोल दो इसको, तो 2/100 मीटर ये इसकी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेवलेंथ पता है, तो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, और वेलोसिटी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ है 2/100 मीटर में, तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 10 हर्ट्ज, तो इतना फ्रीक्वेंसी इसका होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट के बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी दे रखा है, और स्क्रीन जो है वो कैपिटल डी डिस्टेंस पर यहां पे रखी हुई है। मैक्सिमम जस्ट अपोजिट टू ईच स्लिट अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी एक स्लिट के सामने, तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बताना है, किस ऑर्डर की वो फ्रिंज है। तो देखें, YDSC के अंदर ये दोनों स्लिट ले लेते हैं, ये स्क्रीन, ये सेंटर। अब इस एक स्लिट के बिल्कुल सामने मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो जो Y की वैल्यू हो गई स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस, ये Y की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ D/2 के बराबर है, क्योंकि दोनों स्लिट के बीच में डिफरेंस D है। तो यहां पर अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी ये एन लेमडा के बराबर होगा। मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक स्लिट के सामने है तो D/2 हो गया, एक और डी था, डिवाइड बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लेमडा। पूछा हुआ है किस ऑर्डर का फ्रिंज है, तो एन की वैल्यू पूछी हुई है, तो डिवाइड बाई लेमडा, यहाँ पे लेमडा नीचे ले आओगे तो D²/2λD, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रिज्म दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का, और एंगल a दे रखा है, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पे रखा हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू a, तो ये बोल रखा है कि a की वैल्यू कितनी है। तो देखें, किसी प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2 होगा, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन के टाइम पर। अब डेविएशन की वैल्यू, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी a गिवन है, तो ये भी a हो गया, तो ऊपर है 2a/2 a, तो साइन a बाय साइन a/2 लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो साइन a है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 sin a/2 cos a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो ऊपर आ रहा था ये a, तो साइन a को लिख दिया 2 sin a/2 a/2, और नीचे लिखा हुआ है sin a/2 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई n इक्वल्स टू 2 sin कैंसिल हो गया cos a/2। तो यहां से cos की वैल्यू आ रही है cos a/2 इक्वल्स टू n/2,
अब ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन के अंदर साइन की वैल्यू गिवन है, तो कॉस से साइन कैलकुलेट कर लो, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा, तो साइन ए बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी एन बाई टू और इसका रूट ये वैल्यू। तो यहां से अब साइन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर बाई टू, ए बाई टू की वैल्यू ट्वाइस आ जाएगा, तो ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर बाई फोर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ में फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक प्लेन वेव जो है, वेव फ्रंट लाइट का वो इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन मिरर पर, जो शो किया हुआ है इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो देखें इंटेंसिटी मैक्सिमम किस तरह से मिल रही है, तो यहां पर एक लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और एक लाइट डायरेक्ट पहुंच रही है, तो इन दोनों लाइट के पाथ्स में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, तो जो पाथ डिफरेंस है मैक्सिमम के लिए एन लैम्डा के बराबर कर रहे होंगे, तो इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जरा। तो देखें पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा जाके इतना और आ गया, इससे पहले तो दोनों पैरेलल है, तो ये पाथ तो इक्वल, इसके बाद ये पाथ डिफरेंस निकालना है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ये वैल्यू डी है, तो इस पाथ को मैं बोल सकता हूं डी बाय कॉस थीटा, ये पाथ, तो ये है डी बाय कॉस थीटा। अब ये डी बाय कॉस थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनियस दे रखा है और बेस पूछा हुआ है, एक तरह से बेस की वैल्यू की जरूरत है, तो ये वैल्यू आ जाएगा डी बाय कॉस थीटा का कॉस टू थीटा कॉम्पोनेंट, या तो टोटल पार डिफरेंस कितना आ गया, ये प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे, तो टोटल पार डिफरेंस के लिए दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं एक बार अगले पेज पे, तो फाइनली जो पार डिफरेंस आ गया था इनके बीच में, ये एंगल था टू थीटा, ये परपेंडिकुलर था, ये टू थीटा एंगल था, तो ये वैल्यू आ गया था d बाई कॉस थीटा और कॉस टू थीटा, और ये पार्ट था d बाई कॉस थीटा, तो टोटल पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू d बाई कॉस थीटा कॉमन ले लें, ऐड किया है दोनों को, तो ये आ गया कॉस टू थीटा प्लस वन, और कॉस टू थीटा प्लस वन को इसको हम बोल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू है टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पार डिफरेंस आ गया टू डी कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा कैंसिल हो गया था, तो टू डी कॉस थीटा के बराबर ये पार डिफरेंस है, और ये पार डिफरेंस अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो एन लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा की वैल्यू टू डी कॉस थीटा बाय एन ये आ जाएगी, सॉरी एक मिनट, यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किसी हार्ड सरफेस से हो रहा है, तो जब हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन आएगा तो पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस बोल दो पाई का एक्स्ट्रा आएगा, या पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू का एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो ये एक्चुअल में प्लस लैम्डा बाई टू और है इसमें, तो यहां पर प्लस लैम्डा बाई टू है और ये आएगा एन लैम्डा के बराबर, तो एन लैम्डा के बराबर किया तो वैल्यू आ गया 2d cos थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई टू लैम्डा, ये वैल्यू, तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल्स टू 2d cos थीटा ट्वाइस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1, ऑड बोल दो इसको, और ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी 4, ये फाइनली वेवलेंथ आ जाएगा। अब जरा इस टर्म को ध्यान में रखते हुए दोबारा इसको देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, तो अपना जो वैल्यू आया था वो फाइनली इस तरह से कन्वर्ट होकर आ गया कि 4
लैम्डा इक्वल्स टू 4d cos थीटा डिवाइड बाय ऑड नंबर, इस तरह से। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखें, फर्स्ट में दे रखा है लैम्डा बाय 2d, cos थीटा की वैल्यू पूछी, सॉरी, तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे आ गई, cos थीटा इक्वल्स टू लैम्डा ऑड नंबर डिवाइड बाय 4d। तो फर्स्ट के अंदर दे रखा है 1/2, अगर नीचे 4 रखें तो ऊपर रखा हुआ है 2 जो ऑड नंबर नहीं है, इवन है, ये 3/3 ऑड नंबर आ रहा है, सेकंड ठीक है। थर्ड में तो sec और cos का डिफरेंस है, फोर्थ में भी sec और cos का डिफरेंस है, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ ग्लास, प्रिंटेड पेपर के ऊपर उसको रख दिया है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, उस पर रख दिया है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो लेटर है नीचे वाले पेज पे वो विजिबल नहीं हो कोई से भी वर्टिकल फेस से। तो देखें, ये बोल रखा है कि यहां पर एक प्रिज्म की जैसे मान लो एक ग्लास ब्लॉक रख दिया और नीचे जो भी लेटर्स प्रिंटेड है वो प्रिंटेड लेटर्स किसी भी वर्टिकल फेस से नहीं दिखने चाहिए। तो होगा क्या कि यहां से जो रेज है वो सबसे पहले तो इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, सबसे पहला रिफ्रैक्शन यही होगा क्योंकि वो रखे हुए तो उसके आउटसाइड एयर के अंदर, तो यहां से रिफ्रैक्शन पहला, फिर यहां से दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, कोई सा भी वर्टिकल वॉल ले लो, ऊपर वाले पे तो भेजना नहीं है, तो यहां से रिफ्रैक्शन के टाइम पर TIR हो जाए, मतलब रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसको ये समझ लो कि ये एक प्रिज्म की जैसे है जिसका ये प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है। अब कोई भी रे इस वाली सरफेस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये जस्ट सरफेस के टेंजेंशियल आएंगे, तो इसको तो बोल दें यहां पर ये 90 डिग्री पर आ रही है तो ये क्रिटिकल एंगल की जैसे होगा, और ये वाला जो एंगल है इसमें बाहर नहीं जा रही है तो ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो जो इंटरनल एंगल है प्रिज्म, हम बोलते हैं कि R1+R2 इक्वल टू प्रिज्म एंगल, ये होता है R1 ले लिया क्रिटिकल, दूसरा क्रिटिकल से ज्यादा है, तो अगर मैं यहां पे क्रिटिकल लिखूंगा तो ये टर्म क्रिटिकल से ज्यादा है, या ये बोल दो कि A की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल या इक्वल तक ले सकते हैं। तो यहां पर तो जस्ट 90 पे आया, कोई से भी रे के लिए बोला रखा है तो ये क्रिटिकल के बराबर हो गया, और दूसरी वाले सरफेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए तो वो एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो ये टोटल वैल्यू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा, ये क्रिटिकल ये क्रिटिकल से ज्यादा, तो ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा है। तो यहां पर लिख दिया क्रिटिकल ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, और ये ए, और ए की वैल्यू यहां पे 90, तो ये 90 आ गया, 45 एंगल हो गया, साइन को इधर ले लिया तो 1/μ, और ये आ गया साइन 45, साइन 45 1/√2 आएगा, तो 1/μ 1/√2 पलट दें तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √2 होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू √2 के इक्वल तक होनी चाहिए। फर्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ रखी है 30, एक 2 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट के करस्पॉन्ड एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बनाया, लेकिन थोड़ा बहुत हम डायमेंशन कंसीडर करें, या इस तरह से मान ले कि सन से जैसे रेज आ रही हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इमेज बनाते हैं कुछ ना कुछ डायमीटर का, तो वो 2 सेंटीमीटर हाइट का एक इमेज बन रहा है। अब क्या किया कि एक कॉन्वेक्स लेंस को जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसको प्लेस कर दिया 26 सेंटीमीटर पर। तो देखें क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 30, तो इनफाइनाइट से अगर रेज आ रही होंगी तो वो कन्वर्ज होंगी फोकस पे 30 पे, ये 30 है। अब इससे 2 सेंटीमीटर हाइट का है, अब एक 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस जो है वो रख दिया 26 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां रख दिया है बीच में जहां पे रेज जाके कन्वर्ज होती है उससे पहले रख दिया है 26 पे, ठीक। तो अब जो है फाइनल इमेज किस तरह से बनेगी, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, रेज कुछ इस तरह से भेज देगा यहां कहीं, तो फाइनल इमेज कहां बनी पहले तो ये निकाल लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग।
तो इसके लिए, इस लेंस के लिए 1 by v इमेज कहां बना रहा है, माइनस 1 by u, इसके लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आगे, कन्वर्जिंग रेज आ रही थी जिसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आगे पॉजिटिव साइड में 4 सेंटीमीटर, 26 ये था, 30 पे बन रहा है, इक्वल्स टू 1 by f, फोकल लेंथ है इसका 20, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो माइनस 20। तो यहां से 1 by v की वैल्यू आ जाएगी 1 by 20 माइनस, इधर आके प्लस 1 by 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 5 माइनस 1 4 प्लस का, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 by 4, तो ये आ गया 5। तो इमेज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी जो रखी हुई थी 4 पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन लिख दें, तो मैग्निफिकेशन लिख दोगे v by u, v की वैल्यू 5 by u 4, और इसको लिखोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था पहले से 2, तो इस पे जो रेज आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग 2 सेंटीमीटर था, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया यहां से 2.5। अब किस तरह से बनेगा, रेज अपने आप जाके कन्वर्ज हो रही है तो रियल बन रहा है, और वैसे तो हाइट ही पूछिए केवल, तो हाइट इसकी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का इमेज बन जाएगा 8th में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक थिन फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5, और इसकी थिकनेस बता रखी है, लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो वेवलेंथ जो विजिबल होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब रिफ्लेक्टेड जो रेज है उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम में, सॉरी, तो देखते हैं। तो इस पे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई, कुछ लाइट रेज तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइट रेज अंदर गई यहां से रिफ्लेक्ट होके आई, इन दोनों रेज के बीच में इंटरफेरेंस हुआ, वो मैक्सिमम मिलना चाहिए इंटेंसिटी, तो ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव, तो पार्ट डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखे ये पहली वेव हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसलिए इसका पार्ट डिफरेंस पहले से आ गया लेमडा बाई 2, या फेज डिफरेंस बोल दो पाई का। ये वेव अंदर तक गई रिफ्लेक्ट होके आई, रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आई है, तो यहां पे कोई फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा नहीं आया, केवल यही पार्ट डिफरेंस है। अगर ये टी थिकनेस ट्रेवल करके आ रहा है मीडियम में, तो ये टी थिकनेस म्यूटी के इक्वलेंट है, तो म्यूटी गया म्यूटी वापस आया, तो यहां पे पार्ट डिफरेंस 2 म्यूटी का, ये हुआ, ये एक चला एक्स्ट्रा, ये दूसरा एक्स्ट्रा चला, तो टोटल पार्ट डिफरेंस ये हो गया, ये पार्ट डिफरेंस एल लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ गया 2 म्यूटी इक्वल्स टू, ये इधर ले आए तो एन प्लस 1 बाय 2, तो 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4, म्यू की वैल्यू 1.5, टी की वैल्यू 4 इंटू 10 इस बार सेंटीमीटर में है, माइनस 7 कर दिया उसको मीटर में, और डिवाइड बाय ऑड नंबर। अब 7 है एंगस्ट्रम के लिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी एंगस्ट्रम रहने दो, तो एंगस्ट्रम में वैल्यू आ गई 4, 3, 6, 2, 4, 3, 0 डिवाइड बाय 2n प्लस 1, ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूछा हुआ है कि विजिबल रेंज में कौन कौन सी वेवलेंथ है, तो नीचे वाला जो नंबर है इसको ऑड नंबर बोल दो, तो ऑड नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, 1 ले ले अगर तो 24,000, वो विजिबल रेंज में नहीं आती, क्योंकि विजिबल रेंज का मतलब 7,000 से 4,000 के बीच में होना चाहिए एंगस्ट्रम में, इस रेंज में आना चाहिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा नहीं, 3 ले ले, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 24/3, तो 24/3 कितना हो जाएगा 8,000, तो 8,000 भी इससे क्रॉस कर गया, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4800 एंगस्ट्रम 5 के करस्पॉन्डिंग, तो ये ऑड नंबर 5 लेने पर ये वैल्यू आएगी, 3 लेने पर ये आ रही है, तो विजिबल रेंज के अंदर कौन सा आ रहा है 4800, तो 4800 वेवलेंथ विजिबल रेंज में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, क्वेश्चन नंबर 10 में एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही है एक कॉन्वेक्स लेंस पे, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रही है तो ये लेंस भी कन्वर्जिंग है, इसको और कन्वर्ज कर देगा तो इस तरह से यहां कहीं इमेज बना देगा इसकी,
तो नेचर ऑफ इमेज पूछा हुआ है, तो नेचर ऑफ इमेज है रियल, पहले तो अपने आप रेज मिल रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एक तरह से इसके लिए, ये रेज यहां पे जाके मिलती, तो कन्वर्जिंग जो रेज है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इरेक्ट बनेगी, तो इमेज रियल है, इरेक्ट है। फिर दूसरा मैग्निफिकेशन, तो पास में बन रही है तो साइज में स्मॉल होगी, वी की वैल्यू कम है, तो स्मॉल साइज की रियल इरेक्ट इमेज बनेगी। तो रियल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज यहां पे बन जाएगी 10th के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रखा है कि एक थिन लेंस है, फोकल लेंथ है एफ और अपर्चर दे रखा है डी, और ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी है आई, और इनर जो पार्ट है उसका अप टू डायमीटर डी बाई टू, वो अगर ब्लैक पेंट कर दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें, जब इस लेंस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जितना भी लाइट इंसिडेंट हुआ वो पूरा पूरा एक जगह जाके कन्वर्ज हो गया, इस तरह से हो रहा था। तो इस कन्वर्जन की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी या ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी मिल रही है इमेज की। अब अगर यहां पर जो भी एनर्जी आ रही है उसी की प्रोपोर्शन बोल सकता हूं यहां पे लाइट इस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी होगी, लेकिन अगर बीच वाला पोर्शन अगर कवर कर दिया जाए अप टू डायमीटर डी बाई टू, मतलब ये बोल सकता है कि रेडियस आधे तक कवर कर रखा है ये, तो पहले टोटल एरिया बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया पहले था, अब इसका एरिया जो है वो पाई आर बाई टू स्क्वायर कवर कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया 3/4 हो गया, तो जो एनर्जी इस पे इंसिडेंट होगी वो 3/4 हो जाएगी, 3/4 एनर्जी, तो इंटेंसिटी भी 3/4 मिल रही होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑप्शन 11th में अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक बबल है एयर का क्यूब के अंदर, और जिसकी साइड जो है हर एक साइड 15 सेंटीमीटर की है, अपेरेंट डेप्थ जो है किसी एक फेस से क्यूब के से 6 सेंटीमीटर और दूसरा जो फेस है उससे 4 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो कितना होगा। तो देखें, एक क्यूब में यहां पे कहीं बबल मान लेते हैं, अब यहां से डिस्टेंस x मान लेते हैं, अगर बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेज थोड़ी बेंड होगी, थोड़ा पास में लग रहा होगा, तो कितना पास में लगेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी x बाई म्यू के बराबर, और वो बोल रखा है पहले मान लेते हैं 6, और इधर से डिस्टेंस मान लो इसकी y, तो जब इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये बेंड होगी, तो इसको ये कहीं यहां पे लग रहा होगा दूसरी बार भी, तो इस बार कितना लगेगा y बाई म्यू, और ये कितना दिख रहा है 4। अब x प्लस वाई पता है कि इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 15 है, दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई बाई म्यू इक्वल्स टू, इधर ऐड हो गया 6 + 4 = 10, और ये दे रखा है 15, तो 15 म्यू की वैल्यू हो गई 15/10 के बराबर 1.5, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर एक कॉनकेव मिरर है और प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और एक्सिस जो है डायरेक्टली अपवर्ड है, ओ पोल है इसका, और मिरर सेंटर सी दे रखा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं जैसा कंस्ट्रक्शन बोल रखा है कि एक कॉनकेव मिरर है अपवर्ड है, और इसमें ये तो हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर। अब इसमें रियल इमेज जो है वो वापस सेंटर पे बनाई गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब मिरर को फिल कर दिया वाटर से, तो इमेज कहां बन रही होगी अब। तो देखिए सेकंड सिचुएशन में जब इसको फिल कर दिया तो एक तरह से इससे भी रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रेज आगे मिल रही होंगे, तो एक बार रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है, और लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का जो भी फोकस या सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी, तो इसका इक्वेलेंट निकालते हैं। तो इक्वेलेंट फोकल लेंथ जो आएगा इनका वो आएगा 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का फोकल लेंथ एयर के अकॉर्डिंग, कि अगर एयर में ये लेंस रखा हुआ होता तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती। तो ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स बोल दो, जिसका अंदर का मीडियम जो है वो डेंसर है एयर के कंपैरिजन में,
तो इसलिए कन्वर्जिंग अगर है तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हुई, मिरर कॉनकेव है, कॉनकेव है तो यहां से रेज आएंगे तो ऊपर ही फोकस होगा इसका, तो ये नेगेटिव है, ठीक। तो ये पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, ये खुद नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव में बढ़ गई, ओवरऑल वैल्यू, लेकिन फोकस का इनवर्स है ये, तो फोकस की वैल्यू जो होगी एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू ये ओवरऑल रहेगी तो नेगेटिव, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहले मिरर का फोकल लेंथ था उससे कम हो गया, इसका मतलब अब इसका फोकल लेंथ जो है इस कॉम्बिनेशन का वो इससे कहीं नीचे, या सेंटर जो आएगा इक्विवेलेंट वो इससे कहीं नीचे आएगा, सेंटर ये इक्विवेलेंट मिरर ही है तो इसका सेंटर जो है पहले से थोड़ा नीचे आ गया, ऑब्जेक्ट तो वही रखा हुआ है, तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां हो गई, सेंटर से पीछे, तो सेंटर से पीछे अगर है तो रेज फाइनली कन्वर्ज होगी, इमेज कहां बनाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में, या सेंटर और ओ के बीच में, तो पहले इसके लिए ऑब्जेक्ट, अब नई वाली पोजीशन के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इसलिए इमेज जो बन रही है वो फाइनल इमेज अब यहां पे हो गई इसके लिए, तो ये कहां हो गया, सी से नीचे, तो फाइनल इमेज रियल बनेगी और सी और ओ के बीच में बन रही, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है नैरो स्लिट पे, डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे बन रहा है परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट बीम के, तो फर्स्ट मिनिमा जो डिफ्रेक्शन पैटर्न का है उसका फेज डिफरेंस, दो रेज अगर एज से आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये स्लिट, यहां पर डिफ्रेक्शन होगा, डिफ्रेक्शन में सेंटर मैक्सिमा बनेगा फिर मिनिमा, इस तरह से इंटेंसिटी मिलती है यहां पे। अब इसमें बोल रखा है कि दोनों रेज दोनों एजेस से जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है वहां के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, तो देखें इसमें सीधा सीधा ये है कि यहां पर फेज डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई की वैल्यू वो 2π के बराबर आती है, ठीक। तो 2π के बराबर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस सीधा पूछा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में फेज डिफरेंस इसके लिए 2π, फिर अगले के लिए 4π, 6π, तो इसमें 2nπ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब हम डिफ्रेक्शन की बात करते हैं, और जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ये डिफ्रेक्शन या मिनिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग ये होता है सेंट्रल को छोड़ दें तो बाकी सारे ऑड पाई पर, जिसमें पहला आएगा 3 पे 5 इस तरह से आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में इनके बीच में ये फेज डिफरेंस 2π के बराबर होता है, तो 14 में फोर्थ। 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इंटरमीडिएट इमेज के लिए पूछा हुआ है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये आईपीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव ये आईपीस, तो यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है पास में तो उसका लार्ज इमेज ये बना देता है यहां पे, और फिर ये जब इस पे जाके इंसिडेंट होता है तो ये आगे इनफाइनाइट या लार्ज डिस्टेंस पर इसका इमेज बना देता है, तो ये इनिशियल ऑब्जेक्ट, ये इंटरमीडिएट इमेज, ये फाइनल इमेज, इस तरह से होता है इसमें। तो जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके कंपैरिजन में लार्ज बनती है क्योंकि मैग्निफाइड चाहिए, तो लार्ज इन्वर्टेड और वैल्यूज क्या पूछी हुई है, तो रियल है इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड रहेगी, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाए तो ये वर्चुअल है ये वाली, क्योंकि यहां पर रेज जो है वो इस तरह से डाइवर्जिंग जा रही होती है जिनको पीछे एक्सटेंड करवाते हैं, तो फाइनल इमेज पूछी होती है तो वो वर्चुअल है। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक होलो डबल कॉन्वेक्स लेंस है और थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है और एयर से भरा हुआ है, सॉरी एयर से भरा जाएगा या लिक्विड L1 L2 से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका L1 का N1 N2 N2 ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा डेंसर है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे एयर है, ये वो, तो ये फर्स्ट सबसे ज्यादा डेंसर, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे। अब बोल रखा है कि लेंस अगर डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है पैरेलल रेज के करस्पॉन्डिंग तो कब होगा, तो होलो कॉन्वेक्स लेंस है नॉर्मली डाइवर्जिंग होता है कब, जब अंदर वाला मीडियम डेंसर हो और बाहर वाला मीडियम रेयर है, इस तरह की कंडीशन हो,
तो एन वन एन टू रहने के बजाय एन डैश और एन एन कंसिडर कर, तो ये एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा होती है तो ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लें, तो अंदर वाला मीडियम जो है और फिल्ड विथ, तो किससे भरा हुआ होना चाहिए, डेंसर से, तो पहले में एयर है, बाहर एयर में रखा हुआ है तो कुछ नहीं करेगा, पहला नहीं होगा। एयर में है बाहर L1 है, तो अंदर वाला एयर तो रेयरर मीडियम हो गया, ये तो कन्वर्जिंग है। L1 के अंदर L2 में रखा हो, L1 अंदर भरा हुआ हो, L1 तो सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा डेंसर तो यही है, तो सबसे ज्यादा डेंसर L2 है और L1 बाहर वाला मीडियम हो तो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंस डज नॉट एग्जिबिट डिस्पर्जन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसिस आर लेंस गिवन डायग्राम। तो हमें कुछ डायग्राम्स गिवन है और इन डायग्राम्स के अंदर हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में डिस्पर्जन नहीं होगा। तो देखें डिस्पर्जन में होता क्या है, जैसे कोई लेंस है, लेंस में अगर पैरेलल रेज हम इंसिडेंट करवाएं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, 1/r1 - 1/r2, ये शेप तो फिक्स है, म्यू की वैल्यू अलग अलग है, म्यू की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से एक कोई एक लाइट का फोकल लेंथ कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के कन्वर्ज हो रही होंगी, इसकी वजह से डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट सेपरेट स्प्रेड हो रही है यहाँ पे। अब ये बोल रखा है कि यहां पर डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, तो डिस्पर्जन कब नहीं होगा, जब फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लाइट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग नहीं हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करवाऊं, वेरी करवाने के साथ भी फोकल लेंथ वेरी नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो हम म्यू को वेरी करवा रहे हैं फिर फोकल लेंथ में चेंज देख रहे हैं, तो फोकल लेंथ में चेंज जो है वो सेम आना चाहिए, म्यू डिफरेंट लिया तो पहले 1/f1 बोल दो इक्वल्स टू म्यू माइनस वन। एक मिनट, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमने फोकल लेंथ लिखा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, 1/r1 - 1/r2। तो हम बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ में जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए म्यू को चेंज करने के साथ साथ, तो ये किसी एक म्यू के करस्पॉन्डिंग या दूसरे म्यू के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ गया म्यू, बाकी सारी चीजें तो सेम है, शेप तो वही है लेंस की, तो 1/r1 - 1/r2, म्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो यहां पर ये वैल्यू में डिफरेंस ये कॉमन ले लिया, वन भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू 2 - म्यू 1 इस तरह से बन जाएगा। तो डिफरेंस लिया है पहले का और दूसरे का, वन वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये रह गया। तो हम बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों फोकल लेंथ सेम होनी चाहिए, डिफरेंस कितना आ जाए, 0। इसको तो म्यू को तो चेंज कर रहे, तो ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, 0 यही होगा कि 1/r1 - 1/r2 = 0, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों रेडियस बराबर, इसका मतलब दोनों रेडियस इक्वल होगी तभी लेंस से डिस्पर्जन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज डिस्पर्जन लेंस से होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या थे उसमें, तो दोनों रेडियस डिफरेंट है या सेम तो नहीं मेंशन किए हुए, तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट है, दूसरी रेडियस दोनों सेम नहीं है, केवल थर्ड ही है जिसके अंदर दोनों रेडियस सेम है, तो थर्ड वाले के करस्पॉन्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन से डायग्राम में करेक्टली शो किया गया है व्हाइट लाइट जो है उसका डिस्पर्जन, तो यहां पर जो व्हाइट लाइट है वो इंसिडेंट करवा रहे हैं, डिस्पर्जन किस में ज्यादा होगा, तो देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग चेंज होता है, μ = a + b/λ² + c/λ^4 इस तरह से, तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से बोल सकते हैं, है तो नहीं प्रोपोर्शनल, लेकिन वेवलेंथ के साथ साथ म्यू की वैल्यू लेमडा बढ़ाने पर म्यू की वैल्यू कम होगी, तो म्यू वॉयलेट का जो है वो ज्यादा होता है म्यू रेड के करस्पॉन्डिंग, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट जो है वो ज्यादा बैंड होगी दूसरे के कंपैरिजन में। तो प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट करवाई, बैंड हो रही है, इसमें अंदर क्या बोल रखा है कि पैरेलल है, एक ही जगह से पास हो रही है, जबकि जैसे मीडियम चेंज होगा
अलग अलग बैंड हो जाएगी। दूसरे वाले के अंदर बोल रखा है कि बैंड हुई वॉयलेट वाली ज्यादा बैंड हो रही है, रेड वाली ज्यादा कम हो रही है, तो होना चाहिए, सेकंड लग रहा है एक तो। थर्ड में लाइट इंसिडेंट कर रही, वॉयलेट कम बैंड हो रहा है, रेड ज्यादा बैंड हो रहा है, जबकि वॉयलेट ही ज्यादा बैंड होगा। इसके अंदर फिर से वही बीच में नहीं हो रहा डिस्पर्जन, जबकि डिस्पर्जन पूरे में होगा, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसको लिक्विड से फिर फिल किया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है उसका, तो कौन सा पाथ जो है वो करेक्ट होगा रे के लिए वो देखना है। तो देखें यहां पर इस कंटेनर में जैसे जैसे नीचे जा रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, तो मीडियम को एक लेयर की जैसे कंसीडर कर लिया, लाइट यहां से एंटर कर रही है। अब जो लाइट एंटर कर रही है थोड़ा सा एक बार एंगल पे ले लेते हैं, तो अगर नीचे की ओर जा रही है तो नीचे की ओर जाने पर ये रे, ये रेयरर मीडियम है, नीचे जाते ही डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, आगे जाएगा फिर नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, और डेंसर होता जाएगा तो नॉर्मल की तरफ ये रे बैंड होती जाएगी। इस वाली सरफेस पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर से वापस वही है, अब रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से अवे बैंड होती जाएगी, तो ये रेज पहले नीचे की ओर बैंड होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर अपवर्ड इस तरह से बैंड होती हुई चली जाएगी। ऊपर की ओर जा नहीं सकती थी क्योंकि ऊपर की ओर रेयरर मीडियम है, और अगर जस्ट 90 पे आ रहा है तो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो रेज नीचे की ओर ही बैंड होंगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस इस शेप का हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी में क्या दे रखा है, रेज जो है स्ट्रेट है, जबकि स्ट्रेट नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से बैंड होगा, तो स्ट्रेट हो नहीं सकता, ऊपर बैंड नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे, ग्लास प्लेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर है, फाई के बराबर, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये ब्रूस्टर्स एंगल वही है जहां पर रेज रिफ्रैक्टेड जो रेज है वो सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो जाती है। तो नॉन पोलराइज पोलराइज लाइट जब इस पे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, तो ब्रूस्टर्स एंगल पे ये पोलराइज लाइट हो जाएगी। और ये कंडीशन क्या होती है, इसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मेन कंडीशन ही यही है इसके लिए। तो इस वाली कंडीशन में ये रिफ्लेक्टेड रेज कंप्लीटली पोलराइज होती है, तो इसमें क्या पूछा था, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये एंगल 90 डिग्री है, सीधा सीधा 90 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन डी पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, एक मिरर है 1 मीटर हाइट का और एक वॉल से लटकाया हुआ है इसको, एक मैन जो है इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोर्शन ऑफ अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, रूम की दूसरी जो वॉल है उसका कितना पोर्शन जो है वो मैन को दिखाई दे रहा होगा खुद की पोजीशन बिना चेंज किए, मतलब मैन की पोजीशन फिक्स कर देनी है और फिर कितना पीछे वाली वॉल का पोर्शन मैन को दिखाई देगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें इसमें ये वॉल पर मिरर कंसीडर कर लिया, मिरर की हाइट है 1 मीटर, यहां पे मैन है 2 मीटर डिस्टेंस पे, और इसके पीछे मिरर से 4 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब इससे बराबर डिस्टेंस इतने पे ही एक वॉल है, तो वॉल का कितना पोर्शन इसको दिखाई देगा, तो जो रेज इसके कॉर्नर से इसके पास आ रही होंगी वो स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बाकी रेज ऊपर से आती रहेंगी और लास्ट वाली रेज ये हम बोल सकते हैं, तो इस बीच वाले रीजन को पूरा जो रीजन है वो मैन यहां पे देख पाएगा। तो या तो मैन का इमेज ले लो या वॉल का इमेज ले लो कि वॉल यहां पर है, इमेज उसकी, और इस रेज को पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो इन रेज को पीछे एक्सटेंड किया, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 2 मीटर है, ये डिस्टेंस मिरर और वॉल के बीच में ये 4 मीटर है, तो यहां से टोटल हो गई 6 मीटर, ये 4 मीटर है, तो 2 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, और ये दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे
ये और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल में हाइट बाय बेस का रेशियो सेम ले लें। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में हाइट, इसको बोल दिया मिरर की हाइट, और बेस बोल दिया इसको टू, तो हाइट वन बेस टू। बड़े वाले ट्राइंगल में हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और बेस की वैल्यू हो गई सिक्स, तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी थ्री। मतलब 3 मीटर हाइट का जो वॉल है वो इस मैन को दिखाई दे रहा होगा बिना अपनी पोजीशन चेंज किए अगर देख रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में एक कैंडल जो है वो प्लेस की हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स जो मिरर है उससे, और प्लेन मिरर आल्सो प्लेस्ड, एक प्लेन मिरर भी रख दिया, वर्चुअल इमेज दोनों मिरर में कोइंसाइड हो रही है, दोनों मिरर की वर्चुअल इमेज। तो बना देते हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर, इससे 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कैंडल, ऑब्जेक्ट बोल दो, ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पे पीछे का इमेज बनाएगा ये, आई वन बोल देते हैं। प्लेन मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर पर है, और इधर इमेज बनानी है तो प्लेन मिरर भी इसी की तरफ फेस किए हुए हो, तो यहां का ही मान लेते हैं प्लेन मिरर है, आधा कवर करता हुआ मान ले, तो ये 12 सेंटीमीटर पर है, तो ये पीछे वर्चुअल इमेज 12 सेंटीमीटर पे बन जाएगा, बना रहा होगा मिरर में तो ये। अब दोनों की इमेज एक ही जगह बन रही है तो यहां से ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हो गई ये 24, ये टोटल डिस्टेंस है, 20 ये है, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। मतलब मिरर ने 20 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 4 सेंटीमीटर बना रखी है। कैलकुलेट कर लें, फोकल लेंथ के लिए 1/v, मिरर है, v की वैल्यू इधर से रेज आ रही थी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस 4, प्लस 1/u, u ऑब्जेक्ट उधर रखा हुआ है, -20, इक्वल्स टू 1/f, ठीक। तो यहां से 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5 - 1, 4, 20, तो 20/4 ये फोकल लेंथ आ जाएगी, तो ये फोकल लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसमें फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। सेकंड में, थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक रियर व्यू मिरर व्हीकल का कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 मीटर, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आई जो है वो ड्राइवर की, वो लार्ज डिस्टेंस पे अज्यूम कर रहे हैं मिरर से, तो फील्ड ऑफ व्यू रेडियन में कितना उसको दिखाई देगा वो हमें देखना है इसमें ड्राइवर को। तो देखिए सिचुएशन क्या है यहाँ पे, कि हम कुछ इस तरह से अगर कंसीडर कर लें कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, या एक बार मिरर देख लेते हैं, इस तरह का मिरर है, अब यहां पर कहीं लार्ज डिस्टेंस पर हमें कंसीडर करना है ड्राइवर को, अब ड्राइवर के पास जो रेज है वो कौन कौन सी आएंगी, इस तरह से एज पे आई, लार्ज डिस्टेंस पर है तो लगभग पैरेलल से कंसीडर कर लो, ऐसे ही यहां पर लार्ज डिस्टेंस पर है इस तरह की कोई रेज आई, इसके पास पैरेलल निकल गई, तो अगर लार्ज डिस्टेंस पे इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाली जो रेज है, ये वाली रेज इसको दिखाई दे रही होगी, तो इतना जो रीजन है ये रीजन इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू हो गया, इसके पीछे वाला पूरा रीजन दिखाई देगा। अब ये पूछा हुआ है कि ये एंगल वाइज कितना है, तो ये एंगल कैलकुलेट करना है अपन को थीटा, फील्ड ऑफ व्यू का, तो ये एंगल थीटा है, आर्क लेंथ दे रखी है, और ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल रेज आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कितना है, फोकस के बराबर है, फोकस के बराबर, आर्क लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका 1 मीटर, तो ये फोकल लेंथ होगी 0.5 मीटर, तो लगभग यहीं पे सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क अपॉन रेडियस कर दें एक बार, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल स्मॉल है इसलिए कंसीडर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस 0.5 या 10 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ हो जाएगी या एंगल थीटा आर्क अपॉन रेडियस 50, तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/5, और ये वैल्यू आ जाएगी रेडियन में, पूछा हुआ अल्फा बाय 100, तो 100 के लिए 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20/100 रेडियन, तो इतना फील्ड ऑफ व्यू हो गया, अल्फा की वैल्यू पूछी है तो अल्फा की वैल्यू 20 आ जाएगी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कोएक्सियल प्लेस किया हुआ है कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर से, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स लेंस पे, और जो कॉनकेव लेंस है उससे लीव करते टाइम पर भी पैरेलल है, तो सबसे पहले रखा हुआ है कॉन्वेक्स, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है,
आगे रख दिया एक कॉनकेव, और इससे जब रेज निकल रही है तो ये भी पैरेलल ही निकल रही है, तो ये तो कन्वर्जिंग है, ये इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जब इस पे इंसिडेंट हुई तो ये इसको डाइवर्ज कर दिया, तो उसने तो यहां कहीं इंसिडेंट करवाने की कोशिश की होगी, लेकिन इसने डाइवर्ज करके पैरेलल कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये इसका फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर कॉनवेक्स के अकॉर्डिंग, और ये रेज को पैरेलल कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग भी ये फोकस हो गया, तो इसकी फोकस लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। तो पूछा हुआ है कि इनके बीच में सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन आ जाएगा यहां पे 15 सेंटीमीटर का, तो सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम लाइन वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम जो है वो एक स्टार से आ रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेड लाइट में शिफ्ट हो रहा है, और वो एक एंगस्ट्रम के बराबर, मतलब स्टार के मूवमेंट की वजह से लाइट में वेवलेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया 1 एंगस्ट्रम का, तो वेलोसिटी ऑफ स्टार बताना है वो कितना है, लाइन ऑफ साइट में कितना है उस डायरेक्शन में। तो देखें जब यहां पर लाइट में डॉपलर इफेक्ट हम लगा रहे हैं तो हम चेंज जो है वो देखेंगे, तो चेंज कम ही दे रखा है 4000 से 1 एंगस्ट्रम, तो अगर चेंज कम है तो उस टाइम पर चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, किस रिलेटिव वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट स्टार डिवाइड बाय सी, इसके बराबर ये वैल्यू आएगी। तो वेवलेंथ में जो चेंज आ रखा है वो दे रखा है 1 एंगस्ट्रम का, वेलोसिटी रिलेटिव कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय सी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया एक, ये फ्रैक्शनल चेंज हम बोलते हैं, 4000 एंगस्ट्रम ये था, तो एंगस्ट्रम यूनिट कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ ये वेलोसिटी आ जाएगी सी, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 4 × ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻¹, ठीक है, एंगस्ट्रम सॉरी कैंसिल हो गया था, तो ये 4000 है। तो हमें आंसर पूछा है किलोमीटर में, तो 3 0 तो यहां से गायब कर दे, 10⁻¹ और +5 किलोमीटर के लिए 3 और गायब कर दो, तो 3/4 × 6 गायब करने के बाद ये 2 रह गया, और वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड में, तो 300/4 ये आ जाएगा 75 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है, 75 इसका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पेपर डिस्कशन खत्म होता है, आने वाले पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।